नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पूरंजय ज्योतिष की तरफ से आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार केतु ग्रह का मानव जीवन पे एक अहम भूमिका है। अगर किसी भी जातक या जातिका के जन्म कुंडली में केतु का अशुभ प्रभाव दिखाई पड़ता है तब उस जातक या जातिका की जिंदगी दर्दनाक बन जाता है। आज हम जानेंगे कैसे हम केतु के इस अशुभ प्रभाव से खुद को रक्षा कर सकते हैं। लेकिन शुरू में मैं आपको कहना चाहूंगा केतु के अशुभ प्रभाव हमारे जिंदगी पे कैसा प्रभाव दिखाता है। अगर किसी भी जन्म कुंडली पे केतु का अशुभ छाया दिखा जाता है तब वो जातक सारा जिंदगी गुप्त शत्रु द्वारा परेशानी रहता है। ऐसे जातक को समाज से बहुत सारा बदनाम प्राप्ति होता है। गलत दोस्तों, गलत अभ्यास ऐसे जातक का पीछा नहीं छोड़ता। सारी जिंदगी ऐसे जातक को आईनी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। केतु के अशुभ प्रभाव से ऐसे जातक को जेल हाजतबाज भी होता है। केतु कोई ग्रह नहीं है, ये सूरज और चंद्रमा द्वारा सृष्ट एक छाया बिंदु है। केतु के अधिष्ठात्री देवी है धूमावती। किसी किसी के विचार में सिद्धिदाता गणेश है केतु के अधिष्ठाता। इसीलिए धूमावती देवी या श्री गणेश जी का निष्ठा और भक्ति से पूजा करने से केतु का अशुभ प्रभाव घट जाता है। रोज कोई काले कुत्ते को अगर खाना प्रदान किया जाए तब भी केतु का जो अशुभ प्रभाव है ये घट जाता है। अगर मकान के चार कोने पे या जमीन पे चार कोने पे लोहे की किल घुसाया जाए तब भी केतु का अशुभ प्रभाव घट जाता है। रोज अगर पीपल के पेड़ पे पानी डाला जाए तब भी केतु का जो अशुभ प्रभाव है वो घट जाता है। नहीं तो कोई नदी या समुन्दर या गणेश जी के मंदिर पे लगातार 6 दिन सफेद तिल प्रदान करने से भी केतु के अशुभ प्रभाव घट जाता है। लेकिन आप ये सब करने से पहले अपना जन्म कुंडली का विस्तार से विचार कीजिए। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को आपके अपनों में जरूर शेयर करना ताकि वो भी आपके जैसा इस विषय को जान पाए और इस विषय को खुद के जिंदगी में प्रयोग करके खुद के जिंदगी को आसान बना पाए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन और ऑल ऑप्शन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल का कोई भी अपडेट सबसे पहले आप पा सके और उसको अपनी जिंदगी में प्रयोग करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। दोस्तों, अगर आप लोगों की जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरंजय ज्योतिष और पूरंजय ज्योतिष के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारा वेबसाइट पे लॉगिन भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज यही तक। फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो पे भारतीय ज्योतिष के और एक चौंकाने वाले विषय को साथ लेके। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी खुश रहना और अपने परिवार वालों को भी खुश रखना। नमस्कार।